कोई आपका कोई फेवरेट इंस्टाग्रामर हो तो कमेंट में जरूर बताना, जिसकी मैं पोर्ट्रेट बना सकूं। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राहुल बहल आर्ट्स। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कोई रिएक्शन वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, एक इंस्टाग्रामर है अर्शदीप नरुला, तो ये उनकी फोटो है, देख लो। तो इनके 1 मिलियन कंप्लीट होने वाले हैं इंस्टाग्राम पे, तो फेमस पर्सनैलिटी हैं। तो हमने सोचा है इनका पोर्ट्रेट बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कैसे बनाया वो भी बताऊंगा, और क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है वो भी बताऊंगा। इंस्टाग्राम का हमने इसलिए सोचा क्योंकि इंस्टाग्राम भी हम साथ साथ रन करेंगे अब यूट्यूब के साथ ही, तो इंस्टाग्राम पे हम अब रेगुलर वीडियोस डालेंगे और फोटोज़ डालेंगे, उनकी फेमस पर्सनैलिटीज़ की भी बनाया करेंगे। अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो नीचे मेंशन हो रही होगी, और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो पहले बता दूँ कि मैं क्या क्या मटेरियल यूज़ करूँगा इसमें। तो ये कुछ ब्रशेज़ हैं, ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करूँगा मैं, स्मूथनेस के लिए टिशू, और टोम्बो मोनो जीरो इरेजर स्टार्ट करते हैं। और ये आर्ट लाइन की पेंसिल से बेस लेयर दी, पहले हियर स्टैडलर की एचबी, तो मेरे पास ये एचबी है ओनली, वो एचबी यूज करेंगे। बस यही सामान है, ट्राइपॉड है, लाइट वगैरह करते जाओ, फोर हेड से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए बनाते हैं, रेफरेंस के हिसाब से देख लो और डार्क करते जाओ उसे, जब तक मैच नहीं होता डार्कनेस उस लेवल की अचीव नहीं होती तब तक, मतलब पेंसिल का ग्रेड भी बढ़ाओ और ब्लेंड करते जाओ। टोम्बो मोनो इरेजर तो बहुत अच्छा टूल लगा मेरे को, मुझे लगा कि ये एक आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए, ये मैंने तभी लिया था तो बहुत अच्छा लगा। तो हम हेयर्स बना लिए हैं, अब हम आईब्रोज करेंगे। आईब्रोज पे भी सेम ही है कि पहले लाइट और फिर डार्कनेस अचीव करते जाओ, देन हम आइज़ पे आएंगे, और मिड टोन कवर करो सबसे पहले स्किन की। तो देख लो मैंने ये ब्रश का यूज़ करा है, यहाँ पे हल्का सा एक कल बेस लेयर देके तो ब्रश से करोगे तो बहुत स्मूथ सा इफ़ेक्ट आएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा स्मूथ करना चाहते हो तो टिश्यू पेपर यूज़ करो अच्छे से। तो आप देख सकते हो हाइलाइटिंग के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हाईलाइट के लिए आप यूज़ मत करो कुछ भी, हाईलाइट की जगह पहले ही छोड़ दो और उसे कवर अप मत करो। तो इरेजर से क्या होता है, पेपर के रोम्स ख़राब हो जाते हैं, उखड़ से जाते हैं थोड़े बहुत, तो उस पर बाद में कुछ भी मतलब पेंसिल वगैरह ट्राई करते हैं तो पैचेस पड़ जाते हैं, तो हाईलाइट के लिए पहले ही जगह छोड़ दो, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका खुद का देखो कि आपको कैसे अच्छा लगता है, टोम्बो मोनो, इनिडेबल रेजर या ब्लेंडिंग स्टम्प या कुछ भी मतलब की। तो जहाँ जहाँ डार्क है, मतलब कि जहाँ पे हमें लगता है कि 8B, 10B या 6B तक का डार्क है तो वो पहले ही कर दो, अगर कुछ बिल्कुल डार्क है तो उस जगह को पहले ही भर दो, क्योंकि बाद में कोई लेयरिंग करोगे तो भी उतनी डार्कनेस आनी है। तो हमने बनाया चारकोल पाउडर से ये इनका कोट, बाद में टोम्बो मोनो से इनकी ऊपर हाईलाइट की, ये सारा कोट मैंने आप देख लो चारकोल से बनाया है, इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को वैसे चारकोल पेंसिल से नहीं अच्छा लगा, चारकोल पाउडर बहुत अच्छा यूज़ हुआ, मतलब उसी पेंसिल को सैंड पेपर पे करके यूज़, और उसका जो पाउडर सा बचेगा वो यूज़ कर लो, पेंसिल मेरे को नहीं अच्छी लगी। पेंसिल वहाँ बहुत अच्छी है जहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल डार्क, जो कोई स्पेस भरनी है तो इन सब बातों का ध्यान रखो बस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और मटेरियल की बात करें तो मटेरियल सस्ता सा आर्ट लाइन पेंसिल ही है, और कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ खास। तो हमने बना दिए, देख लो।
तो ऐसी कुछ बनी है। तो अब मैंने ये बता भी दिया कि कैसे बनाई है, क्या क्या यूज़ किया है। आपका कोई फेवरेट इंस्टाग्रामर हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, जिसकी मैं पोर्ट्रेट बना सकूं। एक्शन वीडियो के बीच में ही इंस्टाग्रामर्स की भी बनाया करेंगे, ताकि हमारा इंस्टाग्राम भी साइमल्टेनियसली रन हो। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।